हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। ये रहा अपने चारों जिगर के टुकड़े, ये वेनमस, ये टर्बाइन, अपेक्स टर्बाइन, ये स्ट्रेट, ये एमटी हमर, और ये वाला जो हेलमेट है जो सबसे पुराना है, ये है टर्बाइन। ये मेरे को शायद मैंने लिया था 2017 हाँ, मेरे पास CBR थी ग्रीन कलर में, तो उससे मिलता रेडियम से ये लिया था। तो ये हो गया काफ़ी पुराना, और मेरे को चाहिए एक नया हेलमेट जो कि एग्जॉर का ब्लैक कलर का है, ग्लॉसी ब्लैक, और बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैंने सोचा मेरे पास चार हेलमेट है अभी, मेरे को नए की नीड नहीं है और एक यूज़ नहीं कर रहा मैं, और नया मेरे को अगर लेना है तो वो एग्जॉर से हेड के इस बार लेना है। तो पुराना तो मेरे को एग्जॉर वाला जो ब्लैक कलर है वो तो मेरे को चाहिए। तो मैंने अब डिसीजन लिया है कि अपने लोग इसको कराने वाले हैं मॉड, इसको। तो इसमें वाइजर लगेगा और इसका लगेगा स्पॉइलर, और सबसे मेन चीज़ इस पर आ चुका है बहुत सारे स्क्रैचेस, छोटे मोटे एक्सीडेंट, और आप देख सकते हो ये तो आ चुका है इस पर बहुत सारे स्क्रैचेस। तो इसको आज अपने लोग चल रहे हैं इसको पेंट कराने के लिए, रैप नहीं कराएंगे। रैप कराने में एक्चुअली होता क्या है कि हल्का फुल्का भी इधर उधर कुछ होता है तो वो खड़ जाता है रैप, तो रैप नहीं कराएंगे, पेंट कराएंगे इसको प्रॉपर। तो चलते हैं इसको पेंट कराते हैं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ अपने हेलमेट के कलेक्शन, ज़्यादा नहीं है। ये है एमटी हमर, जो मैंने मंगाया था तो काफ़ी टाइम पहले आया था, यूट्यूब पर आप वीडियो जाके देखोगे तो शायद मेरे इसको प्राइस नहीं याद आ रही, शायद 6 का मेरे को उस समय पड़ा था, इस समय तो ये 5 के अंडर है। और ये है ओकामी, ये पड़ा था स्ट्रेट मेरे को 5200 समथिंग का, और ये सबसे पहला हेलमेट है मेरा, ये पड़ा था 5300 समथिंग का, और ये है मेरा सबसे फेवरेट बट सबसे सस्ता, ये पड़ा था मेरे को 4900 का, ये पड़ा था। और सबके स्पॉइलर मेरे को चेंज करने, मतलब लाइक ये वेनमस का और इसका, मैं इसके लिए तो ले आया हूँ बट वेनमस के लिए अभी स्पॉइलर नया वाला मैं नहीं लेके आया हूँ, इसके लिए मैं वाइजर भी लेके आ गया हूँ और इसका दो भी है, स्पॉइलर भी है। तो फिलहाल इसको आज मॉड कराते हैं, इसमें कुछ काम है बाद में कराएंगे। स्पॉइलर इसका भी चेंज होना, पुराना नया वाला जो स्पॉइलर है मेरे को ज़्यादा पसंद है, और एमटी हमार तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, वो कोई और यूज़ करता है, थोड़ा सा मेरे से साइज से छोटा है तो मेरे घर में कोई और यूज़ करता है इसको। और ये ओकामी मैं जब निकलता हूँ, लाइक मेरे को ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करनी रहती है और मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो ये मेरे को थोड़ा सा हल्का सा ढीला आता है, तो मेरे लिए कम्फर्टेबल के लिए बहुत बढ़िया है, और ये जो है मेरे सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट है, तो मैं ये पहन के निकलता हूँ। इसको मैंने पहनना इस समय छोड़ रखा है क्योंकि इसकी पैडिंग वगैरह धुलने के लिए मैंने डाली थी, उसके बाद मैंने लगाया नहीं, और अभी भी मैंने पैडिंग इसकी लगाई नहीं है, आप देख सकते हो इसकी सारी पैडिंग इसके अंदर ही रखी हुई है। और जाने से पहले हम लोगों को इसका पैडिंग निकालनी भी थी क्योंकि बात हुई है जहाँ पर पेंट शॉप पर, उन्होंने कहा था भैया आप इसके स्पॉइलर और वाइज़र और पैडिंग निकाल लीजिएगा पहले ही, नहीं तो हम लोग रखते हैं तो हल्का फुल्का पेंट आ जाता है अगल बगल, तो इसको पहले निकालते हैं। इस पैडिंग तो निकाल चुके, स्पॉइलर और वाइजर निकालते हैं और निकलते हैं फिर इसको लेके पेंट कराने के लिए, वहाँ दिखाते हैं आपको। सॉरी, निकालते हैं वाइजर, एक मिनट, वाइजर देख रहे हो गाइस कितना गंदा हो गया अंदर से, इसको निकालने के लिए सिंपल, ये बहुत प्यार से निकल गया इधर साइड का, क्या बात है। तो इधर का भी एक बार कोशिश करते हैं, शायद निकल जाए प्यार से निकल गए हैं भाई साहब, कितना गंदा लग रहा देखने में वाइजर के बाद। इसको रख देते हैं इधर किनारे और अब निकालते हैं स्पॉइलर। काफ़ी टाइम से लगा था ना, ये जाम हो गया था यार, बहुत मुश्किल से निकल पाया ये, एक मिनट देख लो आप, एक साइड पूरा निकल चुका है तब भी एक साइड से बहुत इजीली निकलने वाला चीज़ भी इतना टाइट हो रहा है। इसको स्पॉइलर बहुत इजीली निकल जाता है एग्जॉर का, बट ये जाम हो गया है।
सिर्फ और सिर्फ इतना बचा है और ये नहीं निकल रहा है इसमें से, जाम हो गया इतना ज़्यादा। इसको एक काम करते, थोड़ा सा इधर घुमाते, इधर घुमाएंगे, थोड़ा सा इसको ढीला करेंगे और ये इजीली निकल जाएगा शायद। सो फाइनली निकल गए महाराज ये। मैंने बैग ले लिया, आज मैं ये वाला हेलमेट लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे हो रहा सर में दर्द बहुत बुरा, और मोटो व्लॉग आज नहीं करना है तो डायरेक्ट लालबाग ही पहुँचेंगे, तभी आपको वहाँ की वीडियोस दिखाते हैं पेंट होते वक्त। तो फिलहाल इसको करते हैं बैग के अंदर, एक मिनट। ये बढ़िया होता है यार कि आपको दो हेलमेट कैरी करने हैं तो एग्जॉर वाले एक बैग दे देते, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। देख रहे हो, आ गए लालबाग वाली शॉप पे, और इसका मैकेनिज्म हमने खोला नहीं था तो पहले मैकेनिज्म इसका खोलेंगे क्योंकि पेंट मैकेनिज्म के अंदर ना जाए। ये टेपिंग भी होगी तो उस तरीके से नहीं हो पाएगी, अंदर प्रॉपर पेंट नहीं हो पाएगा, तो पहले मैकेनिज्म खोलेंगे उसके बाद पेंटिंग के लिए डालेंगे। यहाँ पे इस पे टेपिंग हो जाएगी और इस पे भी। ये तो दीपक भाई ये वाला तो खुल नहीं सकता, ये वेंटिलेशन वाला। हाँ इसको बैक, इसमें भी पेंट की स्मेल चली जाएगी अंदर थर्माकोल तक, तो ये टेपिंग के लिए इसको भी निकालना जरूरी है। ये निकलना होगा, ये भी निकलना होगा, और ये तो निकलना ही होगा भाई। ये वाला तो आराम से निकल जाएगा, इसको खींच दो थोड़ी, रुके रुके इसको। ये निकल गया, तो इधर का निकलवा लिया गया है, मैकेनिज्म निकल गया है, इधर साइड का ये निकल गया है, पैडिंग्स निकल गई है। अब इस पर टेपिंग हो जाएगी ये एक्स वाले साइन पे, बाकी इसको पहले रेगमाल से रगड़ा जाएगा, उसके ऊपर एक बेस बनेगा क्योंकि इसके ऊपर पेंट टिकेगा नहीं, तो पहले रगड़ा जाएगा। वो कल होगा काम, आज जो इसका बेस का काम होगा तो उसकी वीडियोस मैंने कहा भैया से बना लेंगे, वो मेरे को दे देंगे, मैं ऐड कर लूँगा। बाकी मैं निकलता हूँ घर के लिए, अब पेंट हो जाएगा तब मैं आके इसको पिक करूँगा और उसको बाद मैं इसको घर पे फिक्स करके आपको दिखाता हूँ इसका स्पॉइलर वगैरह सब। भाई पेंट होने के बाद देखो क्या ही लुक आया है, आज दो दिन बाद आए अपना हेलमेट रिसीव करने के लिए, देख रहे हो एकदम बिल्कुल नया। अभी तो भाई की शॉप पे चलते हैं, वहाँ पे पहले इसका एक्सेसरीज वगैरह सब फिट करते हैं, पहले पैसा दे पेमेंट करते हैं यहाँ पे। तो पैडिंग वगैरह सब यहाँ पे ले आया हूँ मैं भाई की शॉप पे, एकदम फिट करा देते हैं। मैकेनिज्म वगैरह सब का सब यहीं पे है। अरे भाई वो मैं भूल गया था, दीपक भाई ने कहा था कि धुलने के लिए मैकेनिज्म, में धुलना भूल गया था। ब्रश होगा ना, ब्रश सिस्टम मार दीजिए थोड़ा सा। भाई बहुत प्यारा कलर आया है यार, अभी इसको पूरा सेट होने दो और नया स्पॉइलर और ये वाइजर जो है लगेगा तब लुक आएगा तगड़ा वाला। ऐसे लगा के देखते हैं, ये देख रहे हो मतलब समझ रहे हो। थोड़ा सा डुअल वाइजर पे थोड़ा सा पॉलिश वगैरह भी हो जाए, हल्का सा पेंट रह गया तो छूट जाएगा इससे आई थिंक। इसको लगाते हैं यार, एक मिनट। इसको जानते हो जब भी आप लगाओ तो हल्का सा बस पुश कर दोगे बंद हो जाता है, निकालने में दिक्कत होती है लेकिन लगाने में नहीं। तो इधर का ये लग गया है और इधर साइड का भी ये लग गया, सामने का भी ये लग गया। अब बचा है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म लगाते हैं। पैडिंग लग गई है, पैडिंग लग गई है, और ये एग्जॉर का जो लोगो है इसको लगाना है। अभी यार दीपक भाई से कह रहे हैं कि 3M टेप जुगाड़ किया जाए तो ये लग जाए। इसको फिट करते हैं, ये हो गया, अब इधर साइड साइड का भी दबा दें। तो अभी
ऑयलर नहीं लगा है और वाइजर नहीं लगा है, लुक ये आ रहा है। अब मैकेनिज्म लगाते हैं, फिर वाइजर, फिर स्पॉइलर। तो पहले मैकेनिज्म, वेट, गलत साइड का है। अब एक साइड का लग गया, इधर साइड का लगाते हैं। कॉइल वाली पॉलिसी शाइनिंग वैसे नई वाले जितनी तो नहीं आ पाएगी भाई इसमें, क्योंकि उसमें एक कोटिंग होती है, प्लास्टिक वाली लेयर रहती है वो। लेकिन अब लगेगा नया वाला स्पॉइलर, तगड़ा लुक आएगा भाई इससे। सबसे बढ़िया चीज इन लोगों ने स्पॉइलर में भाई ये दी ना कि अलग वो नहीं बनाया इन्होंने, सेम वैसा ही रखा। स्पॉइलर लगते ही लुक अलग दे दे रहा पूरा पूरा है, ये देख रहे हो, बहुत तगड़ा। अब वाइजर की इसको कैसे लगाएंगे भाई, इसका कुछ जुगाड़ करिए। ये तो ऐसे लग जाएगा, लेकिन इसका चिपकने वाला जुगाड़, 3M टेप। ये रहा वाइजर भाई। अब इसके बाद जो आएगा फाइनल लुक आएगा इसका, तो सबसे बड़ी बात है ना, इसमें दिखता नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है। ये लग गया वाइजर, दिखाना दे भाई है। दीपक भाई देख रहे हो लुक जो है लगने के बाद जो अलग ही आया है भाई। अपने पास वो वाला पीस पड़ा नहीं है, नहीं तो उससे कंपेयर जरूर करते। धब्बे लग गए यार दीपक भाई, थोड़ा सा कपड़े दीजिए हम कर देगा। अरे हम कर दे रहे भाई, यहाँ पे जानते हो कैमरे में उतना बढ़िया कैप्चर नहीं हो पाता जितना आंखों से दिख जाता है भाई। स्पॉइलर वाला देख रहे हो, यहाँ से क्रैक होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। पुराना वाला जो स्पॉइलर था वो वाला थोड़ा सा ऐसा था ना भाई, मेरा गिरा था तो यहाँ से क्रैक आया था उसमें जानते हो टूट, लेकिन वो पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये टूटेगा ना धज बहुत ज़्यादा। अब इसको बैग में डालते हैं तब तक। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको अगर ग्राफिक्स हटवाने हो तो जानते हो रैप ना कराना, रैप कराने के बाद गंदा लगने लगता है। तो मेरा तो ओपिनियन ये रहेगा कि आप पेंट करा लो, ज़्यादा सही है, ठीक है, अगर आपको परमानेंटली चाहिए तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। भाई की हेलमेट की शॉप है लाल बाग में, तो अगर किसी को हेलमेट की ज़रूरत हो तो मेरे को पिंग करना, मैं एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड।